जो हैकर ने पूरे सर्वर में तबाही मचा दी थी, बंदे छुपे जा रहे थे पर फिर भी वो मारे जा रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पानी से आगे जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से ये देखो वो बैन हो जाता है। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो यार आज के इस गेम प्ले को देखने के बाद एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई क्लासिक नहीं कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा है। मतलब इतना इंटेंस कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता भैया। मैच को पूरा देखो, आपको अलग ही लेवल का मजा आएगा। पर फिलहाल हम लोग उतरे हैं जिन चाचा के इलाके में, तो चलो पकड़ते हैं हर बंदों को। अब उतरते ही इन तीन मंदों को निपटा के मैं किल की बहनी बट्टा करता हूँ, उतने में मुझे ऊपर से भी फुट सा टैप आती है। तो मैं निंजा टेक्निक करके रश करता हूँ और फिर ऊपर चलो ना इसके बंद पर। अब जैसे ही इसको निपटाया तभी मुझे दो दो ठो नोक बंदे दिखते हैं। बंदे आएंगे। तो भैया जैसे ही यहाँ पे इनकी किल चुराई, उत्ते में मुझे नीचे से भी फुर्सत टैप आई। तो मैंने सोचा कि वो सीढ़ी से रस करेगा, इसलिए यहाँ पे खड़े रहो। पर चाचा थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगा लेते हैं। आया और गया। फिलहाल इनका एक बंदा और नीचे होता है। तो क्या आप भी बीजमाई टूर्नामेंट खेल के रोज के 5,00,000 रुपए कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो इस पार्ट को पूरा देखना। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है और इसकी मैं खुद गारंटी लेता हूँ। सो स्ट्रॉन्ग के 35,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इन्होंने अभी तक 10 करोड़ की बिलिंग बांट चुके हैं। सोचो आप लोग 10 करोड़। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0% बेटिंग टाइम है। और सबसे मजेदार बात, इस ऐप में कस्टम रूम की जरूरत नहीं है। बस आप अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो जैसे रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके किल डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो है ना कमाल की चीज। और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से कि आप यहाँ पे रोज बीजमाई खेल के गारंटेड पैसे जीतोगे। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीज इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करो और तुरंत आपको 600 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा, जिससे आप टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से जाओ अभी साइन अप करो। अब आप बोलोगे पैसे जीत तो गए फौजी भाई, पर निकालेंगे कैसे? तो भैया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और कोई भी यूपीआई ऐप से तुरंत निकाल सकते हो यार। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट और जीतो 50,000 रुपए डेली। लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक और आएगा। तो यार मैच शुरू हुए अभी 2 मिनट हुए थे और मैंने 9 किल कर लिए। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो शुरुआत ही में लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। हटेगा। बोलो जय जय श्री राम। तो 10 बंदे निपटा दिए थे और अब यहाँ पे ओनली 8 बंदे बचे थे। तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं इस तरह पाता हूँ, तभी मुझे सामने से फुर्सत टैप आती है। अ
अब जैसे ही इसको मैंने निपटाया तो फिर मैं ऊपर गया, क्योंकि मैंने नाव में भी एक बंदे को देखा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भैया अब यहाँ पे जो होने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होगा। पोर्टल से आएगा देख के। देख के मौली आ गई। अरे यार बच गए। कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई। अबे एक बंदा अपने पास है, मार मार इसको। अरे इसको मारो, आगे खतरा है रे बाबा। इधर सच बता रहा हूँ यार, यहाँ पे मेरी जगह स्काउट मॉर्टल जोनाथन डायनामो कोई भी होता वो सारे मरते, क्योंकि जिन बंदों ने हमें मारा उनने शायद अपनी डिक्शनरी से मौत नाम की चीज ही हटा दी थी। मौत का उनको बिल्कुल डर ही नहीं था। जैसे ही उनने हमें देखा सीधा पोर्टल बना के रस कर दिए, और फिर दे मौली दे बम का करते ऐसे में हम बताओ। यही रोको ना। अरे गाड़ी का साउंड दे। अरे यहाँ मत लाओ वहीं रुक जाओ। अब ये बंदे वो सस्ते वाले इवेंट में किसी से लड़ रहे थे, तो हमने पीछे से छल कपट करके एक की पेटी बनाई और एक घर के अंदर घुस गया। तो फिर पोर्टल बना के रश किए और देखो भागे। सामने भी हो सकते हैं ध्यान। ये सामने सामने सामने। अरे सामने एक नीचे है। डांसिंग कम है। अब जैसे ही मैंने इसको निपटाया उतने में ही अन्नू ने बोली एक बोट खेत में दौड़ रहा है, तो मैं उसको मारने के लिए आगे गया। लेकिन तभी बंदा आ गया। Watch out! ये ऊपर बॉट लड़ रहे। आओ ना इधर आओ। अरे एक बंदे भी है। अबे तू आगे क्यों चला जाता है बे? कोई मुझे रिवाइव कर दे भाई। भाग जाओ तुम, रिकॉल देने भागो। तुम भाग जाओ ना, रिकॉल देने भाग जाओ। रिकॉल हो जाना, ऊपर करो ना, उड़ाओ ना उसको ऊपर। अरे ऊपर उड़ाओ ना। इस बूस्ट करना, बूस्ट में भगाना, बूस्ट में भगाओ, बूस्ट। अरे यार ये विली नाम का बंदा भैया जो भी था इसका स्प्रे बहुत गजब का था। खैर फिर भी अन्नू भग गई थी, तो भैया उसने हम लोग को रिकॉल कर दिया और उसके बाद हम लोग जॉर्जपुर में लूटा लाटी करके वहाँ से निकलते हैं। टेंडर हो रहा है, आगे खतरा है रे बाबा। अब यार यहाँ पे तो ये एक ही बंदा था, तो इसको हमने बड़े प्यार से निपटा दिया। लेकिन फिर यहाँ से लूटा लाटी करके हम लोग वापस अब गोरे गोपाल की तरफ जाते हैं। तभी अचानक से ये सीन होता है। बंदे, अरे इससे रिच में चार बंदे। आराम से स्प्रे मारेंगे, बहुत ज्यादा स्प्रे मारेंगे। और एक बंदा उड़ के आया नीचे, उधर जॉर्जो के साइड, जॉर्जो के रिच पे आया है। ये
इनसे जॉर्जो के भी बंदे आए थे। मैं कहां से मैं एमजी नहीं मार पाऊंगा। बंदे आए उड़ के। नहीं इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, इसको मैंने ब्लॉक करके रखो, आप उनको मारो। अब एक की हमने पेटी बना दी, बाकी दोनों गायब हो गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जॉन भी आ गया, पर जॉन था भैया नदी के उस पार। तो हम लोग जाएं तो जाएं कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। खुदा हो गए का? अरे सामने से चला रहा कोई। भाई सिटी से चल रही, यहाँ कहीं से ना मार दे कोई। एक नंबर मेरे भाई, गाड़ी निकाल रहा मैं। बंदा उड़ के आया, उड़ के आया। किधर गया? जा रहा है। अब अपन जाएं कैसे, लेकिन गाड़ी अटक गई, साइड जाना है अपन। अब हमने एक को नॉक कर दिया और फिर मुझे लगा कि वो लोग शांत हो गए, लेकिन उतने में ही अचानक से ये होता है। ए रुक जा, नॉक हो जाऊंगा। कोई ना सेव बचा लो, सेव। एक नंबर मेरे भाई। अब यार अगर हम लोग यहीं खड़े रहेंगे तो जॉन हमको मार देगा, इसलिए मैंने बोला कि भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने खुले में पोर्टल बनाए और फिर ओपन में भागो ब्रो, दे जिगल। आ गया। इधर चलें, इधर से इस साइड, पहले अपार्टमेंट, ये फर्स्ट वाले अपार्टमेंट पहुंचते हैं। अरे बंदा मुंडी दिखा रहा है। नहीं है, स्मोक है, स्मोक नहीं है, तुमको तो कर दिया। अरे चलो नॉक है। बंदा कूदा। अरे आराम, वॉच आउट। अब यार ऐसे हालात में हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से खेल रहे थे भैया रोड ही में हमारी समाधि बना देते। अरे आराम, मुझे रिवाइव कर दो भाई। अब देखो जिस बंदे ने मुझे अभी मारा उसका नाम था ओपी रोसेक, आगे ओ लिखा है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद अब जो सीन होने वाला है उससे ये साबित हो जाएगा कि भैया ये बंदा एक हैकर है। खैर मुझे तो बिल्कुल तुरंत ही यकीन हो गया था कि ये बंदा हैकर है, पर आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा वेट करवाना पड़ेगा। अरे ये जंप कर रहा है ना, ये देखो। थैंक यू, और कोई ने मार दिया। खैर रोड से जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि पानी से जॉन में जाएंगे। और बस अब थोड़ी देर के बाद देखो क्या होता है। बिल्ली कैसी तैर रही है यार आपकी, ऐसा लग रहा कॉम्पिटेटिव मैच चल रहा है। तो ये देखो भाई लोग, एक बंदा बैन हो गया और ये वही ओपी रोसेक है जिसने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले नॉक किया था। इसके नाम पे भी आगे ओ है और उसके नाम पे भी था, और जिस तरीके से उसने मुझे मारा 100% मैं कह रहा हूँ वो हैकर ही था। अब इस वाले घर के वो आगे वाले घर में बंदे थे, तो मैंने सोचा कि पोर्टल बना के सीधा रस कर दूं, लेकिन है? अच्छा लास्ट जोन में नहीं बनता ये, एक ही बन पाएगा। अब मेरे टीममेट ने कहा कि लास्ट जोन में पोर्टल काम नहीं करता, तो मैंने सोचा कि शायद सच कह रहा होगा, इसको नॉलेज है, पर एक्चुअल में वो गलत था। और उसके इस गलत ज्ञान के चक्कर में आगे बहुत गलत होने वाला है। नीचे डीबीएस पड़ी है, चाहिए तुम्हें। Yeah.
अब इनको ऊपर जाके मारना बहुत ही बेवकूफी भरा काम था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा वेट करो, वो लोग खुद ही कुछ ना कुछ गलती करेंगे। जोन आ गया। डार्क जोन। बंदा बंदा सामने। एक और। मैं हेल्थ बढ़ा रहा। कूदेगा वो, कूदेगा। मेरे को बना एचपी किया है, कूदेगा। अरे एक सामने भी है। अरे भैया पीछे बंदा नॉक कर देगा। तो अब सिर्फ दो बंदे बचे थे, एक जो सड़क के उस पार और एक इसी घर में था। लेकिन जॉन भी आ रहा था और हमें भैया सड़क के उस पार जाना था। और दिक्कत ये थी कि मेरे को लगा कि पोर्टल तो बनेगा नहीं, क्योंकि भी जानू ने बताया कि पोर्टल लास्ट जोन में बनता नहीं है। और उस चक्कर में मैंने दोबारा पोर्टल बनाने का ट्राई नहीं किया। लेकिन ऊपर वाला देखो क्या करता है। अबे अरे अबे अभी ऊपर वाला पोर्टल बना के भाग गया। तू कह रहा साले पोर्टल ही बनेगा? यूज़ नहीं होगा शायद तेरे को। अरे तू कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई यार। तो ये जिसने अभी मुझे मारा, एक्चुअल में ये छत के ऊपर वाला बंदा था जो पोर्टल बना के वहाँ पहुँच गया। मैंने सोचा कि सड़क में मैं भी चला जाऊँ, वहाँ पोर्टल बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही सड़क में कदम रखा, उस बंदे ने भूसा भर दिया। साला मर गया क्या? खैर मैं मर गया तो क्या हो गया, पर चिकन डिनर तो मेरे टीममेट ने करा ही दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।